आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल बने उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक। डीजीपी मुकुल गोयल कल दोपहर में पदभार करेंगे ग्रहण। रक्षा मंत्री का कल कानपुर दौरा, कानपुर में एयरफोर्स के अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन आज, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया जन्मदिन। दिल्ली में कोरोना के 93 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की हुई मौत। लखनऊ में सख्त हुए ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब कैमरे से होगा चालान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज 48वां जन्मदिन समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बड़ी धूमधाम से मनाया। जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं हवन यज्ञ करके भी समर्थकों ने अखिलेश यादव की लंबी उम्र की कामना की। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये 6 तस्वीरें देख सकते हैं। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। टीवी स्क्रीन पर अलीगढ़ समेत कई जिलों की तस्वीरें आपको दिख रही हैं कि कैसे सपा कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया। कानपुर, औरैया, जौनपुर, सुल्तानपुर और हमीरपुर से ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनकी लंबी उम्र की कामना की है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद सब कुछ अब धीरे धीरे खुल रहा है। देश के तमाम धार्मिक स्थल भी खुल चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अमरनाथ यात्रा रद्द करने का निर्णय लेकर अनुचित कदम उठाया है, ऐसा कई लोग कह रहे हैं, जबकि ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। ये कहना है बाबा अमरनाथ के श्रद्धालुओं का। श्री अमरनाथ यात्रा शुरू कराने की मांग को लेकर लगातार हर राज्य में प्रदर्शन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की ओर से सवाल उठाया गया कि जब माता वैष्णो देवी मंदिर खुला तो श्री अमरनाथ यात्रा बंद क्यों है। मांग की गई कि केंद्र सरकार कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए श्री अमरनाथ यात्रा शुरू करवाए। इसी कड़ी में अमरनाथ यात्रा को बहाल कराने के लिए श्री बाबा महाराज बर्फानी सेवा संस्थान प्रधान मंडित पंडित अर्पितानंद और अन्य सदस्यों ने ACP को ज्ञापन सौंपा और अमरनाथ यात्रा शुरू करने की मांग की। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन हर जगह पर बड़े धूमधाम से मनाया गया। वहीं जन्मदिन के मौके पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन के लिए विशेष तैयारी की थी। जगह जगह होर्डिंग लगाकर बधाई संदेश दिए गए। वहीं कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखा गया, लेकिन कोविड नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई गई। भारी संख्या में कार्यकर्ता बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन जो है ये पूरे प्रदेश में उत्सुकता है, केवल हमारे बीजेपी, हमारे जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में ही नहीं, बाकी अन्य दलों में भी बेहद उत्सुकता है। दूर दूर से बधाइयाँ आ रही हैं, देश से, प्रदेश से, और गरीब, नौजवान, किसान, बेरोजगार, ये सारे लोग आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन मना रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि 22 में ये सरकार आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश जी का जो जन्मदिन है, पूरा देश, उत्तर प्रदेश धूमधाम से मनाए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का 48वां जन्मदिन है, वहीं कार्यकर्ताओं में तमाम उत्सुकता देखने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अमित जी और बजरंग बाड़। क्या कैसे मना रहे हैं आप लोग? हम लोगों ने सुंदरकांड का आयोजन किया और सुंदरकांड के आयोजन के बाद केक काटेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम से हम लोग भंडारा भी कर रहे हैं और यही कामना है हम लोगों की कि आने वाले समय 2022 के इलेक्शन में हम लोग जो है माने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और पूर्ण बहुमत सरकार बनाएगी। कोरोना के लिए तमाम कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इसका पालन नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कोरोना का तो ये है कि ये खुद अपने से ही है, आदमी अब इसको खुद ही से वो करना है, कोई किसी को कहेगा तो है नहीं।
कि क्या करना है, आदमी को मास्क लगाना चाहिए, आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एरिया ऐसा है, भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इसको कैसे वो किया जाएगा, करना चाहिए तो अपने से ही है। पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव जी का क्या कहते हैं, तबीयत काफ़ी ख़राब है, विधानता में एडमिट है, क्या जी अभी तो फिलहाल वो हम लोग यही कामना करते हैं, उनकी भी दीर्घायु कामना करते हैं, और 2022 के इलेक्शन देख करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बना करके वो आप हम सब लोग उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो ये था कहना कार्यकर्ताओं का कि 2022 चुनाव को लेकर तैयारी हो रही है, वहीं पार्टी कार्यालय में धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी 2022 में जनता किसका साथ देती है। कैमरन सत्येंद्र के साथ अभिषेक मिश्र त्रिपाठी, प्राइम टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन पार्टी कार्यालय पर धूमधाम से मनाया जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बैंड बाजे से और तमाम कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है। एक लंबे समय से कार्यकर्ताओं को इंतजार रहता है कि अखिलेश जी का जन्मदिन मनाया जाए। वही देखने वाली बात है कि भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है, तमाम कार्यक्रमों के आयोजन किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में खुशियाँ हैं और तमाम कार्यकर्ता ऐसे हैं जो यहाँ पर बड़े पैमाने से जश्न मनाए जा रहे हैं। अगर दिखाना चाहेंगे आपको क्या कहते हैं कि किस तरह से क्या कहते हैं तमाम ऐसे पंडाल लगाए गए हैं जहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है, लोगों को जो गरीब बेसहाय लोग हैं उनको खाना खिलाया जा रहा है। अब तमाम पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं यहाँ पे, तमाम पार्टी के आने वाले चुनाव को लेकर तैयारी कर रही थी, बातचीत होगी। वहीं आपको बता दें कि तमाम ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और भारी उत्सुकता देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि कोरोना के इस दौर में कोविड नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। तो ये देखने वाली बात होगी क्या अखिलेश यादव का क्या पैगाम जाता है आम जनता पे। वहीं 2022 का चुनाव नज़दीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि 2022 चुनाव में जनता किसका साथ देती है। कैमरामैन सुजीत के साथ अभिषेक त्रिपाठी, प्राइम टीवी। वहीं पुलवामा हमले में आगरा के लाल कौशल कुमार रावत के शहीद होने के बाद सरकार द्वारा शहीद के परिवार को कई सारी घोषणाएं की गई थी, लेकिन 2.5 साल बीत जाने के बाद भी किसी को भी पूरा नहीं किया गया। वहीं कुछ दिनों पहले शहीद की वीरांगना ने एक वीडियो वायरल कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से गुहार लगाई थी, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर वीरांगना का सब्र का बांध टूट चुका है। इसी को लेकर शहीद की पत्नी धरने पर बैठ गई है। वहीं शहीद की वीरांगना ममता रावत का कहना है कि ये सरकार शहीदों की शहादत के साथ खिलवाड़ कर रही है। शहीद की पत्नी के धरने पर बैठने के बाद शहीद की पत्नी से मिलने प्रशासनिक अमला पहुंचे। SDM सिटी, CO सदर और उप जिलाधिकारी समेत कई अधिकारी शहीद की पत्नी से मिलने पहुंचे। हमने उन्होंने हमसे लिखवाया है कि क्या क्या मांगे, वो हमने सारा लिख दिया, उनको पर्चा लेके गए एक, और मूर्ति के लिए हमने बोल दिया है कि जे जब हमारा काम हो जाएगा, जब हम मूर्ति का उद्घाटन करवाएंगे अपनी काम, तो उन्होंने बोला है कि ठीक है बात करते आगे जाके, और बोल रहे कि माँ मुख्यमंत्री तो उनसे मिल लो, डिप्टी CM साहब, तो हमने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे अपने धरने पर ही, चाहे 4 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे। जमीन की मांग की गई और ये कहा गया मूर्ति का अनावरण हो जाए, और ये कहा गया कि मूर्ति का अनावरण तब करवाना चाहते हैं जब सारे काम पूरे हो जाएं। लगभग उन्होंने बताया कि लगभग 61-62 लाख रुपए उनको दिया गया है, और लगभग 65 लाख रुपए सरकार से गया हुआ है। वह इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट में आगरा स्मार्ट सिटी ने परचम लहराया है। माइक्रो स्किल सेंटर के निर्माण और संचालन में आगरा स्मार्ट सिटी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं पहले नंबर पर आई स्मार्ट सिटी आगरा की लिफ्ट को स्मार्ट होने का इंतजार है। आगरा नगर निगम स्मार्ट सिटी के दावों को पलीता लगा रही निगम में लिफ्ट लग गई है। महापौर पार्षद और अधिकारियों के लिए लगाई गई लिफ्ट कई बार खराब हो चुकी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब निगम परिसर में लगी लिफ्ट को समय रहते ठीक नहीं कराया जा सकता, तो स्मार्ट सिटी के दूसरे कामों की कैसे मॉनिटरिंग हो रही होगी। अखिलेश यादव के 48वें जन्मदिवस पर सपा कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला। शहर स्थित सपा कार्यालय में केक काटकर खुशियां मनाई गई। ये खबर रायबरेली से है, जहां पर जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं दी। पूर्व चेयरमैन और उपाध्यक्ष मोहम्मद इलियास और जिलाध्यक्ष ने अखिलेश यादव के जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार विधायक डॉ. मनोज पांडे ने भी अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। देखिए, समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को
जन्मदिन की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनके अंदर फिर वो सामर्थ्य और ताकत दे और वो जनादेश दे कि 2022 में फिर उत्तर प्रदेश के गरीब और कमजोर के सहारा बन सकें। मैं अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 7 जुलाई 2021 तक वन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत अलीगढ़ नगर निगम द्वारा अपने धौरा माफी निकट इमामबाड़ा पर नगर निगम भूमि पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम आयोजित कर धूमधाम से वन महोत्सव मनाया गया। देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये वन महोत्सव आज से शुरू हुआ है और अलीगढ़ नगर निगम को लगभग 3000 पौधे का टारगेट दिया गया था, लेकिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग 10000 से ऊपर पौधे लगाएंगे। उसी की आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। आज हम लोग 800 पौधे लगा रहे हैं, उसमें अलग अलग 5 वैरायटी के पौधे हैं। इसमें नगर निगम के सभी कर्मचारी अधिकारी भाग ले रहे हैं। उम्मीद है कि आज से जो वन महोत्सव का सप्ताह शुरू हुआ है, ये अच्छा चलेगा और पूरे जुलाई के महीने। वहीं शासन के निर्देश पर पूरे यूपी समेत आजमगढ़ में वायरल डिसीज़ नियंत्रण अभियान की 1 जुलाई से शुरुआत हो गई। इस दौरान कलेक्टर क्षेत्र से जागरूकता वाहन रैली भी निकाली गई और साफ सफाई के साथ दवा का छिड़काव किया गया। वहीं पूरे महीने सभी ग्राम सभाओं में अभियान चलाकर साफ सफाई की जाएगी और दवाओं का छिड़काव होगा। इसके साथ पशुओं की सुरक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा दस्तक अभियान 12 जुलाई से शुरू होगा। आज पूरे प्रदेश में संचारी माह का आज से शुरुआत हुई है। उसी के क्रम में आजमगढ़ जनपद में भी कलेक्ट्रेट से जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। इसमें हमारे अन्य विभाग भी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तो नोडल है, लेकिन पंचायती राज विभाग, जिला कृषि विभाग, पशु चिकित्सा अधिकारी, DSO, अन्य विभाग भी इसमें लगे। वहीं आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में भारत अमृत महोत्सव अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि खरीफ 2020 में कुल 12,334 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया था, जिसमें तहसील सगड़ी अंतर्गत बाढ़ से हुई फसल क्षति के रूप में 20,93,000 रुपये 335 कृषकों को उपलब्ध कराए गए। वहीं जिलाधिकारी उप कृषि निदेशक को निर्देशित किया कि प्रचार वाहन का रूट चार्ट तैयार कर अवगत कराएं। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने लाभार्थी कृषकों, प्रतिनिधि बीमा कंपनी, बैंकों और कृषि विभाग अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कृषकों को अपनी फसल का बीमा कराने के लिए विशेष प्रचार प्रसार कराया जाए। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अधिकाधिक कृषकों को बीमित किए जाने हेतु 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये सब बीमा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के क्रम में ये बैठक की गई थी तथा पिछले साल जिन किसानों ने बीमा कराया था, जो लाभान्वित हुए थे, उनको आज जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मानित किया गया। पिछले वित्तीय वर्ष में 1735 किसानों को जनपद में 1,29,00,000 रुपये की अनुदान वो जो है। वहीं हमीरपुर में GST विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए SDM को ज्ञापन सौंपा। वहीं साथ ही काली पट्टी बांधकर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। डीजल पेट्रोल को GST के दायरे में लाए जाने और GST के 3 स्लैब बनाकर सरलीकरण करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जो GST लगाई गई है, उस GST में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जो गल्ला की खरीद है उसमें ज़बरदस्ती GST लगा करके व्यापारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है, किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर के एक आज ज्ञापन DM माननीय DM साहब को दिया गया है, जिससे व्यापारियों के हित में सुनवाई हो सके। सहारनपुर में भीम आर्मी के संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली रोड स्थित आज़ाद समाज पार्टी के कार्यालय से बहुजन साइकिल यात्रा निकाली। आज़ाद समाज पार्टी की इस साइकिल रैली के कई मतलब निकलकर सामने आ रहे हैं। इसे 2022 की चुनावी तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं साइकिल पर सवारी का मतलब भी 2022 में समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने इस साइकिल यात्रा को जनसंपर्क अभियान बताया है।
देखिए बहुजन साइकिल यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के हर घर तक हम लोग पहुँचेंगे, और जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियाँ हैं जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश बेहाल हो चुका है, आम आदमी सुसाइड कर रहा है, मर रहा है, हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहा है, और जितनी भी नियुक्तियाँ हो रही है, नौजवान परेशान हो गया, घोटाले हो रहे हैं नियुक्तियों में, नियुक्तियाँ नहीं तो हुई नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है जन जन तक पहुँचाएंगे और इस सरकार की सच्ची कहानी जनता तक पहुँचा के। वहीं कानपुर में बीजेपी नेता विद्यानंद पांडे ने पार्षद के गुर्गों पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने पार्षद के गुर्गे आए थे, जिसका विरोध करने पर पार्षद पति इरफान ने उन्हें बात करने के बहाने बुलाकर गाली गलौज की और गोलियों से भून डालने की धमकी दी। वहीं बाबूपुरवा थाने में इरफान के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। मैनपुरी में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आगामी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के आदेशानुसार निष्पक्ष चुनाव कराया जाएगा, साथ ही तैयारियों के साथ हर जगह सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नजर बनाई गई है। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने अकबरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत नवनिर्मित वृहद गौशाला किसरवल का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस वृहद गौशाला में करीब 22 गौवंश मौके पर मौजूद मिले। वहीं जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवकी नंदन ने बताया कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ द्वारा इस वृहद गौशाला का 1,20,00,000 की लागत से निर्माण कराया गया है, जिसमें 4 टीन शेड हैं और इसमें लगभग 240 गौवंश आने की क्षमता है। वहीं जिलाधिकारी ने वृहद गौशाला का बारीकी से निरीक्षण किया। तो कानपुर देहात से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वृहद गौशाला का निर्माण किया गया और इस वृहद गौशाला का निरीक्षण करने के लिए खुद कानपुर देहात के डीएम वहां पर पहुंचे और वहां पर जो भी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं गायों को लेकर उसकी पूरी तरह से जांच की गई। तो डीएम ने वृहद गौशाला का शुभारम्भ भी किया और साफ तौर पर ये भी जानने की कोशिश की आखिर कौन कौन सी सुविधाएँ इस गौशाला में वहाँ पर प्रदान की जा रही हैं। तो कानपुर देहात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम ने वृहद गौशाला में पहुंचकर उस वृहद गौशाला का शुभारंभ किया और साफ तौर पर ये जानने की कोशिश भी की कि आखिर किस तरह से वहां पर गायों का रखरखाव होता है, क्या कुछ सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं, कितने क्षेत्रफल में इस गौशाला का निर्माण किया गया, ये भी देखने वाली बात है क्योंकि ये काफ़ी बृहद स्तर पर इसका निर्माण किया गया है। कोरोना महामारी के चलते कई परिवार तबाह हो गए, न जाने कितनों के सर से माँ बाप का साया छिन गया। एक ऐसा ही परिवार कानपुर देहात के हल्ला निवादा का है, जहाँ कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन के चलते एक युवक इस कदर बेरोजगार हुआ कि परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया, जिसके बाद 29 मई को युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना के बाद रसूलाबाद उप जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मृतक की बेटियों की शादी की खर्च का पूरा जिम्मा उठाने की बात कही और मृतक का क्रियाकर्म करवाया। बता दें कि मृतक ने पहले ही 2 बेटियों की शादी तय कर रखी थी। पीड़ित परिवार में 2 बेटियों की शादी है, जिस पर उप जिलाधिकारी ने 2 बोरी शक्कर और 1 टीन रिफाइंड भिजवा दिया, लेकिन शादी के अन्य खर्चों की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में 2 बेटियों की शादी कर पाना मृतक की पत्नी के लिए मुश्किल है। वो टेंशन में उन्हें लगा ली फांसी। क्या टेंशन रही थी आखिर? अब यही टेंशन घरेलू लॉकडाउन की वजह से, शादी थी, कमाई का कोई जरिया नहीं था जी। फिर इसके बाद क्या हुआ? अब इसके बाद जब फांसी लगा ली उसके बाद एसडीएम साहब आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि अब शादी करेंगे जी, तो आप उसी तारीख को रखिए शादी जी। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बारात कब आनी है? बारात आज ही आनी है। तो कितने यानी कि बच्चे हैं उनके? बच्चे 5 है, 4 बिटिया एक लड़का। शादी कितने की हो रही है? आज 2 बिटिया की शादी हो रही है। बाकी जो बच्चे उनको भी गोद लिया है क्या? नहीं, उनका तो नहीं, इनके लिए कह रहे थे दोनों लोगों के लिए। आज 30 तारीख को 2 बेटियों की शादी है, दोनों सगी बहनें हैं।
इसमें पहले से हम परिवार से टच में हैं और परिवार को हम पहले भी कुछ राशन, चीनी और तेल वगैरह की व्यवस्था करा चुके हैं। कल भी कुछ चीनी तेल जो कम था उनके पास सामग्री वो उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा हम अपनी तरफ से जो शादी में कुछ सामान दिया जाता है, टीवी, फ्रिज, बर्तन का सेट या और कुछ शादी के बर्तन वगैरह, और ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम हम लोग कर रहे हैं। कुछ कूलर वगैरह भी हैं, तो दोनों बेटियों को जो भी चीज़ें दी जा रही हैं वो सब दो दो सेट में दी जा रही हैं। तो इस तरह से जो भी सामान है वो सब अभी शादी में पहुंचेगा और जितनी भी व्यवस्था हमने करी है वो सारी की सारी अभी हमारे माध्यम से उनके। वहीं कानपुर देहात के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कोविड 19 के तहत प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसका आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि गोल्डन कार्ड के बनाए जाने में प्रगति लाएं और प्रत्येक VLE कम से कम 100 गोल्डन कार्ड प्रतिदिन अवश्य बनाएं। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। गोल्डन कार्ड बनाए जाने के लिए सभी SDM अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर गोल्डन कार्ड बनवाएं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किया जाए और जितनी वैक्सीन उपलब्ध हैं वो 100% लग जानी चाहिए। योगी सरकार भले ही हर साल पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए का बजट पास करे, लेकिन समस्तपुर पक्षी विहार आज किसी और नहीं बल्कि वहां पर कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की भ्रष्ट कार्यशैली के चलते बदहाली से गुजर रहा है। बता दें कि रायबरेली जनपद से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित सलोन तहसील का ये वही पर्यटन का केंद्र है जहाँ मामला जी, ये जो बंटी सिंह है नहीं वही मरवा। बंटी सिंह कौन है? ये बंटी सिंह, ये बंटी सिंह यहाँ के अधिकारी हैं। और कहाँ कहाँ के अधिकारी हैं? ये पक्षी विहार, समतपुर पक्षी विहार। हाँ हाँ, समतपुर पक्षी विहार के अधिकारी हैं। इन्हीं के आदेश से सारी मछली मार दी जाती है, कुछ भी होता है तो इन्हीं के आदेश से होता है। लगभग कितने लोग मछलियाँ मारते हैं? रात में ये साहब 5 बजे जो है पूरी 2 पिकअप मछली भिजवा दी गई है। हाँ हाँ, और अभी मौके पे पीछे कूदे हुए हैं, देख लो शिकारी कूदे हुए हैं, मार रहे हैं ये सब। हाँ हाँ, तो ये बंटी मरवा रहे हैं, पैसा इनको दे देते हैं। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।